अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलशिफा होम्यो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, आपको हेल्थ के हवाले से फर्दन फर्दन बहुत अच्छी मालूमात वाली मेडिसन आपको मुहैया करते हैं, ताकि आपके मसाइल और आपकी बीमारियों के हवाले से आपको इल्म हासिल हो सके। आज हमारी हमारा जो टॉपिक है वो ओवरीज सिस्ट पे है। ये एक औरतों की बीमारी है, ओवरीज बेजादानी को कहते हैं, और सिस्ट एक पानी की बुलबुला होता है, पानी की थैली होती है। ये ज़्यादातर औरतों में इसकी शिकायत मिलती है। उसके बाद ये अमूमन छोटी छोटी थैली होती हैं, ये राइट और लेफ्ट दोनों ओवरीज में होती हैं, कभी एक में हो गई कभी दूसरी में हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इस बीमारी का कामयाब इलाज है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इसकी वजूहात का इल्म हो सकता है तो होम्योपैथिक ही तरीका इलाज बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके सिम्टम पे आप डिस्कस करते हैं, तो ये सिस्ट अगर ये बन जाए तो इससे हार्मोन्स का निज़ाम जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हार्मोन की ख़राबी से हैज़ में कमी भी हो जाती है और हैज़ की बंदिश भी हो जाती है इनकी वजह से, उसके और बांझपन की शिकायत भी हो जाती हैं। और ये सिस्ट अगर फट जाए तो मरीज़ा को शदीद दर्द शुरू हो जाता है, जिस साइड पे ये सिस्ट हो तो उस साइड से ज़्यादा दर्द शिद्दत से महसूस होता है। और अगर ये सिस्ट साइज़ में बड़ी हो जाए तो अपेंडिस की तरह के दर्द के जो है ना झटके महसूस होते हैं, और हैज़ के अलावा जरियाने खून भी शुरू हो जाता है। उसके बाद जिमा के दौरान औरतों में पेन महसूस होती है औरतों को, और पेड़ों का मुआयना करने से भी दर्द महसूस होता है। और इसकी तशखीस और टेस्ट पे अगर जाएं तो लेपरोस्कोपी भी अच्छा तरीका है अगर करवाई जाए तो। सबसे बेहतर और आम मिलने वाला जो है अल्ट्रासाउंड है वो करवा कर तो इससे पता चल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन का बंडल है, कोई भी बीमारी हो, लेकिन सबसे पहले उसकी अलामत पे देखा जाएगा, उसकी फिज़िकली और करंट अलामत कौन कौन सी हैं तो उसको नज़र उस पे नज़र दौड़ाई जाएगी। उसकी जो है ख़ानदानी हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री के हवाले से देखा जाएगा, फिज़िकली जो है पेशेंट को देखा जाएगा। उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसन जो आम इस्तेमाल वाली मेडिसन है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो आरम आयोडेड, लैकेसिस, आयोडियम, एपिस मिलिफिका, कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फ्लोर और ब्रायोनिया पेन में ये, और सबसे बेहतरीन मेडिसन ऑफोरिनम, ये भी 3x में या क्यू में यूज़ करवाई जाती है। ये हैं होम्योपैथिक मेडिसन और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रिजल्ट्स हैं। और आखिर में वही हमारा एक ही नारा है, होम्योपैथिक अपनाएं और नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं।